बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सफिशिएंसी इन केस ऑफ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके लिए सफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो एग्जांपल हमारे पास आप देखें क्या है। लेट एक्स वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन be a random sample from f of x theta is equals to 1 over theta, the range is from 0 to theta and 0 otherwise. Prove that yn is sufficient statistic and y1 is not sufficient statistic. तो इस एग्जांपल के लिए हमने सफिशिएंसी देखनी है फॉर वाई एन। हमें कहा जा रहा है वाई एन इज़ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक जबकि वाई वन जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं है। अच्छा, वाई एन और वाई वन है क्या? वाई एन आपके पास क्या है? वाई एन आपके पास इन रैंडम वेरिएबल्स में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपके पास वाई एन है, ठीक है। वाई वन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, जो इस एक्स वन एक्स टू एक्स एन में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको हमने वाई वन कहा है और लार्जेस्ट वैल्यू को वाई एन। तो कहा जा रहा है कि वाई एन इज़ द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है ना, आपने जस्ट इसको प्रूव करना है, और वाई वन जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन ए की वैल्यू जीरो है और बी की जगह आपके पास क्या है? थीटा। एंड वी नो दैट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज थीटा इज इन्वॉल्व इन द रेंज ऑफ एक्स। सो दिस इज द नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर वाई एन। स्टार्ट करते हैं। बाय द डेफिनेशन ऑफ सफिशिएंसी हमारे पास क्या होता है? जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स वेक्टर गिवन वाई गिवन टी जो होता है वो क्या टी है? यहाँ पे चूंकि आपके पास वो कहा जा रहा है कि वाई एन इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सो द वैल्यू ऑफ टी इज वाई एन। एफ ऑफ एक्स वेक्टर गिवन टी इज इक्वल्स टू वाई एन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई एक्स स्मॉल एक्स वैक्टर टी इज इक्वल्स टू वाई एन डिवाइडेड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई एन। प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स वैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वैक्टर, जो रिपीटेशन है उसको हमने नहीं लिखना, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई एन। और यहाँ पे अब देखें वाई एन आपके पास क्या है? वाई एन इन्हीं एक्स फैक्टर में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वाई एन वो है, तो यानी यहाँ पे रिपीटिशन आ रही है। सो हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फैक्टर इज इक्वल्स टू एक्स फैक्टर, जो रिपीटिशन है उसको हमने नहीं लिखना, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई एन। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेक्टर है, दिस इज़ द लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ एक्स वेक्टर, यानी जो आपके पास गिवन पीडीएफ है ये, इसका आपने लाइकलीहुड फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। लाइकलीहुड फंक्शन का क्या मतलब है? कि एन टाइम्स, क्योंकि एक्स वेक्टर ये देखें एक्स की वैल्यूज कितनी है, एन है, सो एन टाइम्स इस पीडीएफ का आपने प्रोडक्ट लेना है। एंड देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फाइंड आउट करना है, टी इज़ वाई एन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एन यानी पीडीएफ ऑफ वाई एन। तो पी डी एफ ऑफ वाई एन हम जो है, तो अगर आप जैक नाइफ टेक्निक में जो एग्जांपल नंबर 3 हमने की है दैट इज़ फॉर नॉन रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वहाँ पे आप देखें तो सेम ये पी डी एफ वहाँ पर हमने फाइंड किया है, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है पी डी एफ ऑफ वाई एन वो आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो से। सो यहाँ पे वो प्रोसेस रिपीट नहीं करते, डायरेक्ट रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ वाई एन या पी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एन जो है वो क्या आया था? एन वाई एन पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई थीटा पावर एन, और इसकी रेंज आपके पास हो जाएगी जीरो लेस देन वाई एन लेस देन थीटा, ठीक है। और जो अब आपको चाहिए लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ एक्स वेक्टर, यानी लाइकलीहुड फंक्शन आपके पास कैसे आएगा? कि आपने जो आपके पास सिंपल ये पीडीएफ गिवन है इसका आपने एन टाइम प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स वेक्टर इज इक्वल टू पाई आई इज इक्वल टू वन अप टू एन, पाई इज फॉर प्रोडक्ट इंटू वन ओवर थीटा, जो पी डी एफ है वो, ठीक है, चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है सो इट इज इक्वल्स टू वन ओवर थीटा पावर एन, यानी कॉन्स्टेंट को आप एन टाइम्स मल्टीप्लाई करें। सो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स वैक्टर हो गया और ये आपके पास एफ ऑफ वाई एन हो गया। सो पुट करते हैं ये वैल्यूज इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आता है? सिंपल वो पी डी एफ यहाँ पे पुट कर दिए तो आप देख सकते हैं आपके पास थीटा पावर एन
वन ओवर थीटा पावर एन, और ये भी अगर आप देखें तो इससे अलग करें वन ओवर थीटा पावर एन आता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया आपके पास, और रिमेनिंग टर्म क्या रह गए, वन ओवर एन वाई एन पावर एन माइनस वन। सो हमें पता है कि आप देखें यहाँ पे आपके पास ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा आपके पास कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। सो इट मीन्स दैट के जो हमारा स्टेटिस्टिक टी है दैट इज़ वाई एन, वो क्या है, वो एक सफिशियंट स्टेटिस्टिक है, ठीक है ना, हमने यही प्रूव करना था ना कि वाई एन इज़ सफिशियंट स्टेटिस्टिक। सो ये जो यहाँ पे है प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हम प्रूव करें कि वाई वन जो है वो सफिशियंट नहीं है, तो उसके लिए सबसे यही प्रोसीजर होगा, लेकिन यहाँ पे जो टी है वो इसकी जगह आपके पास क्या हो जाएगा, वाई एन की जगह वाई वन हो जाएगा, ठीक है, वाई एन की जगह वाई वन। यानी फिर यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वन यानी पी डी एफ ऑफ वाई वन चाहिए, तो पी डी एफ ऑफ वाई वन जो है वो सेम उसी प्रोसीजर जो वाई एन के लिए है उसी प्रोसीजर को आप करेंगे तो आपके पास वाई वन का पी डी एफ आ जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पे n है वहाँ पे जस्ट आपने 1 पुट करना है, तो जब आप वो कंप्लीट प्रोसेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, n थीटा माइनस वाई वन होल पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय थीटा पावर n, सेम उसी प्रोसीजर को आप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। और जो x वेक्टर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेक्टर दैट इज़ वन ओवर थीटा पावर n, वो सेम ऐसा ही रहेगा, जस्ट आपने इन दोनों का रेशियो ले लेना है, यानी वन ओवर यहाँ पे आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेक्टर पुट करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल्स टू वाई वन पुट करना है, तो आपके पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, तो आप देखें स्टूडेंट वन ओवर थीटा पावर एन और वन ओवर थीटा पावर एन आपस में कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वन डिवाइडेड बाय एन थीटा माइनस वाई वन होल पावर एन माइनस वन, तो ये आपके पास रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो थीटा इन्वॉल्व है और इस थीटा को आप इस इक्वेशन में से ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप इसको यहाँ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो इट मीन्स दैट कि हमने जो ये देखिए ये हमारे पास है ये हमने किया है फॉर वाई वन, ठीक है ना, ये हमने वाई वन के ये सफिशिएंसी चेक करने के लिए हमने इसको किया है। सो फॉर वाई वन हमारे पास रिजल्ट जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, सो इट मींस दैट के वाई वन इज नॉट अ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। सो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था कि वाई एन जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है और वाई वन जो है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं है, तो आपके पास भी यही रिजल्ट आया है, वाई वन सफिशिएंट आया है और वाई एन जो है वो सफिशिएंट नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।